ஓம் ஜெய் சுனேந்திரா. வேறில்லாத மரம் போல் என்னை நீ பூமியில் நட்டாயே. ஊர்கண் என்னன் மேலே பட்டா உன் உயிர் நோக துடித்தாயே. உலகத்தின் பந்தங்கள் எல்லாம் நீ சொல்லி தந்தாயே. பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையில் வழி நடத்தி சென்றாய். உனக்கே ஒரு தொட்டில் கட்டி நானே தாயாய் மாறிட வேண்டும் அறறிறாரோ. நான் இங்க பாட தாயே நீ கண்ணுறங்கு என்னோட மடி சாய்ந்து. லோக் கேத்தே ஹே कि माँ ही भगवान होते हैं और मेरे लिए और मेरे छोटे भैया के लिए वही सच है. हमारी माँ हमारे सबसे बड़े भगवान हैं. पर मैं एक रहस्य बात बताने चाहती हूँ. मैं और मेरी छोटे भैया और मेरे पापा के साथ मेरी मम्मा का एक दूसरा ही अवतार है. जब वो अपने पेशेंट्स के साथ होती है तो बहुत अच्छी तरीके से बात करती है. इतना अच्छा इलाज करती है कि पेशेंट उनको देखकर ही उनका आधा इलाज ठीक हो जाता है. और पेशेंट्स भी इनका इतना तारीफ करते हैं. मेरा और मेरा भाई दरवाजे के पीछे छुप के सुनते हैं. पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपको देख कर ही हमारा आधा बीमारी ठीक हो गया. आप में ऐसा ऐसा दिव्य शक्ति ऐसा जादू है जो किसी और इस दुनिया के पास ही नहीं है. आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं इस दुनिया में जो इतना अच्छी तरीके से इलाज कराते हैं. ये मम्मा हर पेशेंट को बोलती है कि मेडिसिन से कुछ बीमारी ठीक तो हो सकता है पर मेडिसिन की आदत अगर बढ़ गई तो उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे. इसलिए मम्मा उनकी पेशेंट्स को अच्छे लाइफस्टाइल हैबिट्स, कैसे अच्छा खाना खाना है वो सब बताती है. उसी से ही तो बीमारी अपने आप चला जाएगा. तो पेशेंट इसलिए बोलते हैं कि आप तो भगवान के लिए भगवान का ही स्वरूप हो हमारे लिए. आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं. हाँ तो ना मेरे और मेरे भैया और मेरे पापा के सामने तो मम्मा का ही दूसरा ही अवतार है. वो बहुत ही छोटी बर्ताव करती है ऐसे कि वो परिवार की सबसे छोटी लाडली हो. जो उनको चाहिए वो तभी मिलना चाहिए. पर वो हमेशा हमारी भलाई के लिए सोचती है. हाँ वो तो हमारी पूरी परिवार के लिए भलाई सोचती है. क्यों ना अगर इनको दुनिया का भगवान ही बना दी जाए तो वो पूरा दुनिया की भलाई सोचेगी. जो आज अब दुनिया में हो रहा है वो तो कभी ना होएगा, हमेशा अच्छा ही होगा. बता रही हूँ. हाँ पापा दिख रहा आपके चेहरे पर कैसे जल रहे हो. हाँ यही तो होता है हर बार. कौन मम्मा के पास जाके बैठेगा, कौन मम्मा को पहले हक करेगा, कौन मम्मा को पहले उठाएगा, कौन मम्मा को खाना देगा. हर बार यही तो होता है. इतना प्यार तो है कि पापा दिख रहा है बंद करो. हाँ पापा ही तो वीडियो ले रहे हैं. दिख रहा है उनके चेहरे में कैसे जल रहे हैं ईर्ष्यालु कहीं के. तो ना हाँ मैं कहा थी, हाँ मैं ये बता रही थी कि मम्मा मेरे और मेरे छोटे भैया को हमारे पापा के ज़्यादा ही प्यार करते हैं. हाँ सही में झूठ नहीं कह रही. तो मेरे भाई जो है ना साई वर्धमान श्रीपाल वो इतना छोटा है तो वो हर जगह घुस जाएगा. अगर मम्मा पापा से बात कर रहे हो तो उनके पीछे घुस के उनको हक कर लेगा या चुम्मा देगा या उनको पहले खाना देगा. हाँ वो छोटा है, खाना तो नहीं ला सकता पर पानी का ग्लास. अगर मेरे पापा मैं और मेरे भाई किचन में हो और अगर हम कुछ कर रहे हो खाना खा रहे हो
मोस्टली तो मेरे मेरे भाई घी मक्खन सारे छुरा के तो खा जाते हैं, पर अगर मेरी मम्मा ने बोला मुझे पानी चाहिए, वो भी गर्म पानी चाहिए, वो भी उसमें हींग होना चाहिए और उसमें हल्दी होना चाहिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये सब बोलते बोलते जैसे ही वो बोलना खत्म करते तो वहां पर कोई ना कोई तो हाजिर पानी के ग्लास के साथ, या वो पापा या मैं हूँ या मेरा छोटा भैया सायवर्धमान श्रीपाल, हमारे बीच में लड़ाई हो जाती है। इतना प्यार करते मम्मा से। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो के लिए मैं बस ऐसी कुछ कहानियां बता रही हूँ, नहीं मैं सच बता रही हूँ, अगर हम अपनी मम्मा से इतना प्यार करते हैं तो वो भी हमारे लिए 10 गुना ज्यादा प्यार करती है। एक दिन क्या हुआ, मेरे मम्मा और मेरे भैया शॉपिंग करने चले गए, तो मम्मा को तब पता नहीं था कि मैं और मेरे पापा कहीं और चले गए थे। तो मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने सायवर्धमान श्रीपाल को लेकर वापस घर चली गई, और जब उनको पता चला कि हम वहां पर थे नहीं, वो वापस शॉपिंग मॉल में जाके हमें हर जगह ढूंढने लगी। सायवर्धमान श्रीपाल घर में बैठकर जल रहा है, मेरा मम्मा मुझे नहीं देख रही, मेरे मेरे बहन, क्षमा कीजिए, मेरे बहन और पापा के पास चले गए। तो उसने फोन कॉल करा, छोटा तो है पर अभी तो आप सबको पता है छोटे बच्चे ही सबसे ज्यादा फोन के बारे में पता लगा कर रहते हैं। तो उन्होंने फोन करा, मम्मा ने बोला तू चुप बैठ मैं आ रही हूँ, उनको लेकर आ रही हूँ। तो वो लेकर आए, और उस दिन वो मेरी बहुत ख्याल रख रही थी, कुछ हुआ तो नहीं, पापा ने तुम्हारे लिए सब कुछ ले लिया। फिर मैं अपने मन में सोच रही थी, देखो देखो आज सायवर्धमान श्रीपाल को इतना नहीं देख रही क्योंकि मैं घूम गई हूँ, अगर हर दिन ऐसे घूम जाऊं तो। पर ऐसे तो मैं हाँ नहीं करूंगी, पर बस बोल रही हूँ क्योंकि ना पापा बंद करो, पापा ना चेहरे दिखा रहे हैं ताकि मैं वीडियो में ध्यान ना दे पाऊँ, पर मैं तो ऐसे नहीं हूँ, मेरे पास तो मेरा मम्मा का दिमाग है, जैसे मेरा मम्मा को मेरा ग्रैंड पप्पा यानी कि उनका पिताजी का दिमाग है। एक दिन मम्मा को 3 बजे का कॉल आया पेशेंट से, वो फौरन चली गई, जैसे ही मेरे ग्रैंड पप्पा थे वैसे ही है, कहते तो हैं शेर का बच्चा बिल्ली नहीं बन सकता, सबसे बड़ा जंगल का राजा बनता है, वही शेर। और वैसे ही मेरा पिताजी का बेटी यानी कि मैं और मेरी मम्मा उनकी पिताजी की बेटी वैसी शेर और शेरनी है हम। मेरा भैया ना बड़ा डरपोक है, मेरे पिता भी, पर फिर भी हम तो सारे एक ही तो परिवार है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द साइंस का श्रीपाल सुप्रीम यूट्यूब चैनल। Press the bell icon for further updates. Om J. Jinendra.